अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल के ऊपर। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर ये बताऊँगा कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है डाउनलोड मैनेजिंग डाउन को करते हुए। कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो सही से वो मैनेज नहीं कर पाते या स्केड्यूल नहीं लगा पाते। वो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर देख रहे होते हैं लेकिन वो एक एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो है ना मिल नहीं पा रहा होता। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक फ्री, यस ऑफ कोर्स, फ्री वीडियो दिखाऊंगा और उसका रिव्यू भी करेंगे हम, उसको प्रॉपर इंस्टॉल भी करेंगे, कहाँ से इंस्टॉल करना है, क्या करना है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको उसका नाम बता दूँ, उस डाउनलोड मैनेजर का। उसका नाम है फ्री डाउनलोड मैनेजर। इसको हम बाकायदा अच्छे तरीके से देखेंगे भी और इसके फीचर्स भी मैं आपको कुछ बताऊँगा। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। और आपके मेरे ख्याल में दो सॉफ्टवेयर के जो काम हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे डाउनलोड मैनेजिंग में हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको टॉरेंट से रिलेटेड कुछ डाउनलोड करना है तो आप टॉरेंट के लिए अलग से यू टॉरेंट वगैरह देख रहे होते हैं, बिट टॉरेंट देख रहे होते हैं, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप इसी में ही टॉरेंट की फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो नॉर्मल फाइल्स होती हैं, नॉर्मल कोई भी चीज़ होती है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए बगैर आएँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हैं और इसको समझते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर और ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। इसमें सबसे पहले आप अपने चले जाएंगे गूगल पे और इसको डाउनलोड करने के लिए आप लिखेंगे फ्री डाउनलोड मैनेजर। और जैसे ही आप फ्री डाउनलोड मैनेजर लिखेंगे तो आप देखेंगे पहला ही लिंक आप ओपन कर लेंगे फ्री डाउनलोड मैनेजर का, और ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ दिखा हुआ आ रहा है। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। यस, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है या आपके डाउनलोड के फोल्डर में आ गया होगा। तो जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाए तो आप हमें इस सेटअप को इंस्टॉल करना है। हम इस सेटअप को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। यस, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो ये आप ओपन करके सबसे पहले इसको फौरी तौर पर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल फॉर नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इसके लिए एक हमें इसके अलावा जो ये इंस्टॉल करने के साथ साथ एक प्लगइन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि जो भी डाउनलोड हम कर रहे हैं वो कैच कर सके ये। तो इसका जो प्लगइन है वो आप क्रोम एक्सटेंशन में चले आइए। सबसे पहले एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर में चले आइए। यहाँ पे आप टाइप कीजिए फ्री डाउनलोड मैनेजर, फ्री डाउनलोड मैनेजर, और ये जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है इसको आप जल्दी से ऐड टू क्रोम कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है इसके कुछ फीचर्स वगैरह की बात कर लेते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। तो सिंपल है, सबसे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स इसकी दिखा दूँ। तो देन जो है हम इसको कुछ डाउनलोड करके भी देखेंगे कि किस तरीके से हम कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसको क्या क्या चीज़ें जो इसके जो फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, मेन मेन्यू में जाएँ आप। मेन मेन्यू में आप देख सकते हैं मेन ये तीन जो बार आपको नज़र आ रही हैं, इसमें आप पेस्ट यूआरएल, कॉपी क्लिपबोर्ड, आप कोई URL जो डाउनलोडेबल कोई चीज़ हो वो पेस्ट करके भी देख सकते हैं। बहरहाल मैं चले आता हूँ डायरेक्ट प्रेफरेंसेस के अंदर। कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अच्छा, यहाँ पे जनरल में सेटिंग्स में आप इसके सिस्टम थीम में इसका बहुत अच्छा ये फीचर लगता है मेरे को, डार्क मोड। आप इसको डार्क मोड पर कर लें, ये बेहतरीन है आँखों के लिए। आप चाहें तो सिस्टम में लाइट मोड पर भी रख सकते हैं। लैंग्वेज आप देख लें इसकी, डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फोल्डर आप यहाँ पर इसको भी चेक कर सकते हैं। आपको अगर कोई फिक्स, वैसे जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड जो फोल्डर होता है हमारा, वहीं पे ही हमारी सारी डाउनलोड जारी होती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्पेसिफिक पाथ दे दूं मैं तो आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। बाय द वे मैं तो जो डाउनलोड फोल्डर होता है विंडोज़ का, उसी में ही मैं चीज़ें अपनी डाउनलोड कर रहा होता हूँ। नेक्स्ट देख लें आप, डाउनलोड्स का ही आपको सेक्शन नज़र आ होगा। यहाँ पर कुछ हैं अलग अलग तरह की चीज़ें। असल में मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है प्रॉक्सी वगैरह भी आप देख सकते हैं लगाना चाहें तो। ट्रैफिक लिमिट यहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो है वो आपने सारी अनलिमिटेड पर ही चेक कर देनी है। अपलोड स्पीड भी अनलिमिटेड करनी है ताकि आपकी जो डाउनलोड की स्पीड हो, मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड जो है आपकी कैच करे डाउनलोड करते हुए। अच्छा, यहाँ पे एक और इसका बहुत अच्छा फीचर है एंटीवायरस। यहाँ पे आप जो है अपना, और यहाँ पे एंटीवायरस भी हम अपना जो है लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर मैनुअल है, विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस आप इस बात को सिलेक्ट कर लीजिए, और ये जो है ये सिलेक्ट एंटीवायरस आपका हो गया। आप कभी भी यहाँ पे एक चेक आपको छोटा सा लग रहा होगा, एंड ऑटोमेटिक परफॉर्म वायरस चेक व्हेन डाउनलोड इज फिनिश्ड, ये आप लाजमी चेक कर लीजिए क्योंकि आपको पता है आजकल वायरसेस आ जाते हैं, हमारे सिस्टम से लो हो जाता है। तो ये एक बहुत सेफ ऑप्शन मुझे इसमें लगता है।
अच्छा, इसका भी एक मेन और मेन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बिट टॉरेंट। यस, यहाँ पे आपको किसी भी दूसरे अदर सॉफ्टवेयर को डाउन, जैसे टॉरेंट की कोई फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो वो डाउनलोड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन टॉरेंट का फीचर मौजूद है। तो आप अगर वो देखेंगे, उस फीचर को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर, वो भी आप यूज़ करें बिल्कुल। यहाँ पे चेक इफ, यहाँ पे आपको इसमें कुछ भी जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें वो सारी रखी हैं, बस मैं आपको मेन चीज़ें यही दिखाना चाह रहा था। इसमें आपने एक तो सेटिंग ये कर लेनी है। अब आ जाए बैक। अब सिंपल हम चलते हैं कुछ कुछ डाउनलोड करके देखते हैं, देखें भी तो सही इसकी स्पीड अच्छी आती भी है नहीं। तो कुछ मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ और देखते हैं हम वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाउनलोड और कितनी स्पीड में डाउनलोड होता है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक VLC का मीडिया प्लेयर है उसको डाउनलोड करता हूँ उसकी वेबसाइट से, और देखते हैं कैच करता है या नहीं और किस तरीके से कितनी स्पीड में ये डाउनलोड करता है। देखो, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन कैच कर लेता है। जैसे कि देखें, आपको ये नज़र आ गया ये डाउनलोड। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही इसने कैच किया तो आप देख सकते हैं सेव टू। सेव टू का मतलब ये है कि आप इसको जो सॉफ्टवेयर है इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का भी यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर अपना डेस्क डाउनलोड्स में, जैसे मैंने पहले ही बताया, डाउनलोड्स पर रख रहा होता हूँ। आप चाहें तो डेस्कटॉप पे अपनी मर्ज़ी का पाथ बना के वहाँ पे इसको रख सकते हैं। ये फाइल नेम आ गया। अच्छा, एक और चीज़ में बहुत अहम है, इसमें एक स्केजुलर भी आप चला सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं अभी कोई चीज़ डाउनलोड पर लगा रहा हूँ बट वो अभी डाउनलोड ना हो, तो आप इस पर स्केजुअल भी कर सकते हैं कि वो किस वक्त डाउनलोड हो, किस दिन डाउनलोड हो। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का इसमें फीचर है। अभी तो फिलहाल, लेकिन मैं आपको डाउनलोड स्पीड इसकी चेक करवा दूं। ये देखें, ये इसकी डाउनलोड स्पीड आ रही है। मेरा वैसे कनेक्शन मैं आपको बता दूं तो 4 MB+ का कनेक्शन है और डाउनलोड स्पीड 1 MB/2 अबव ही आ रही होती है मेरी। लेकिन देखें, ये मैक्सिमम जितनी डाउनलोड स्पीड ले सकता है ना वो लेता है, और ये बहुत ही, देखें, 42.2 MB की फाइल थी और कितनी तेज़ी से इसने डाउनलोड कर रहा है। और ये देख सकते हैं आप कितनी कितनी तेज़ी से डाउनलोड हो सकता है। यहाँ पे आप देखते हैं फाइल का नेम, नेम आ रहा होगा, स्टेटस बताएगा, स्पीड बताएगा, साइज़ कितना है फाइल का और एडिट का वही टाइम वगैरह बताएगा आपको। अच्छा, डाउनलोड करते हुए यहाँ पे प्रोग्रेस चार्ट भी है, डाउनलोड स्पीड भी आप यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं अपनी। इसके अलावा जो है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे ये डाउनलोड हो गया, ये देखिए डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे डाउनलोड के बाद। परफॉर्म वायरस चेक करना चाहें आप, ऐड मिरर करना चाहें, चीज़ें यहाँ पे भी चेंज की जा सकती हैं। अच्छा, जो भी कंप्लीटेड फाइल्स होती हैं वो हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। ये तो सिंपल एक डाउनलोड सॉफ्टवेयर था जो हमने डाउनलोड किया। अगर कोई टॉरेंट फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे, टॉरेंट और टॉरेंट फाइल? अच्छा, यहाँ पे मैं जल्दी से कुछ सर्च कर लेता हूँ कोई टॉरेंट फाइल को, या टॉरेंट की वो चीज़ है वो कैच कैसे तरीके से करेगा उसको चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टॉरेंट फाइल टेस्ट, और कोई भी, हमें कोई भी रैंडम कोई टेस्ट टॉरेंट करने के लिए एक फाइल, इसकी टॉरेंट फाइल उठा के देखते हैं। ये एक फाइल मेथड मिली मुझे, एडमिट टॉरेंट, यहाँ पे इसको हम टेस्ट करके देखेंगे ये टेस्ट ये किस तरीके से होती है। ये मैग्नेट लेंगे इसका और ये टॉरेंट लेंगे। इसको मैं जल्दी से डाउनलोड करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये इसने टॉरेंट फाइल भी इसने कैच कर ली और टॉरेंट फाइल भी इसने पकड़ ली। यहाँ पे ये सारी इसकी डिटेल्स आ रही हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टेस्ट फोल्डर वगैरह वगैरह। जैसे ही मैं इसको डाउनलोड पे लाऊंगा तो ये टॉरेंट एक फाइल थी जो ये डाउनलोड कर रहा है। ये 18.4 MB की फाइल है, देखें इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी आती है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ कीजिए। ये IDM का बहुत बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, इसको यूज़ करना आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये देखें, ये टॉरेंट फाइल थी जो हमने डाउनलोड कर ली। आप यहाँ से सिंपली फोल्डर पे क्लिक करके वो डायरेक्ट फोल्डर पे भी आ सकते हैं जो भी आपने डाउनलोड किया हो, और यहाँ से इमेजेस वगैरह ये चीज़ें भी देख सकते हैं। तो आई होप ये था हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको रिव्यू करके बताया, फ्री डाउनलोड मैनेजर, जो बहुत ही अच्छा एक डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर है जिसमें स्पीड और उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।